राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित ग्रांड हीरा होटल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल व्यक्ति जगदीश राय भाटिया एक निजी कार्यक्रम के लिए रुके। यह नई दिल्ली में मालवीय नगर के निवासी हैं, जो धर्म प्रचारक निरंकारी संस्था से जुड़े हुए हैं। यह देश विदेश में मालवीय नगर के मोदी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके कपड़े पहनने, सफ़ेद दाढ़ी का अंदाज, चेहरा व शरीर की बनावट हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी है। इस दौरान हमशक्ल मोदी से पत्रकारों ने बातचीत की। भाटिया ने प्रधानमंत्री के हमशक्ल होने पर बताया कि घर से बाहर निकलने पर जनता की नज़र पड़ने पर एक बार तो लोग मोदी समझकर चौंक जाते हैं। रास्ते में कहीं रुकने पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोगों में सेल्फी लेने की होड़ लग जाती है। मसूरी व चंडीगढ़ में रूप को देखने व सेल्फी लेने के लिए भीड़ भी बेकाबू हो गई थी। ऐसी स्थिति में भीड़ पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में अचानक हमशक्ल के रूप में देखकर सिक्योरिटी भी चकाचूंध हो गई थी। सरकार की तरफ से हमशक्ल मोदी को किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं है। इस मोदी जैसे रूप से जनता से प्यार व इज्जत में बढ़ोतरी मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी है। इस रूप को भारतीय जनता पार्टी ने सराहनीय बताया। भाजपा पार्टी हमशक्ल मोदी से चुनाव में भी प्रचार प्रसार करवाती है। रोड शो और पदयात्रा में भी हमशक्ल मोदी को ले जाया जाता है। इनसे परेश रावल भी मिल चुके हैं, जिन्होंने किसी फिल्म में मौका देने की बात कह रखी है। कई बार ऐसा हुआ है कि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मसूरी में एक बार ऐसी घटना घटी कि बिल्कुल भी कंट्रोल करना ही मुश्किल था, तो पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। एक बार चंडीगढ़ में एक बार एक मॉल में इतनी भीड़ हो गई, हालांकि कोई नेगेटिव नहीं था, सारे को सेल्फी लेने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ हो जाती थी, तो इसलिए मैंने सुरक्षा वगैरह का कभी कुछ सोचा नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर जितना उन्होंने देश का नाम किया है, ऐसी छवि कभी भी नहीं थी पहले जो आज है। पूरे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो देश का नाम ऊंचा किया है, वो अपने आप में सराहनीय है। हमशक्ल होने के नाते जो भी कैंडिडेट इच्छुक होते हैं, कई कैंडिडेट मुझे अपने साथ ले गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के टाइम में भी मैंने काफ़ी लोगों के लिए प्रचार किया, इधर MCD इलेक्शन में भी काफ़ी कैंपेन किया। काफ़ी कैंडिडेट मुझे अपने पद यात्रा में, रोड शो में ले जाते हैं कैंपेन के दौरान, और UP इलेक्शन में इलाहाबाद में सुधारनासी भी कैंपेन करने के लिए गया। जहाँ भी जिसको ये मौका मिलता है मुझे कभी लेके जाते हैं, तो मैंने कभी मना नहीं किया जब मेरे पास अगर समय होता है। हमशक्ल मोदी का जन्म पंजाब में हुआ था। पढ़ाई में स्नातक पास करने के बाद 20 साल झारखंड में रहे। 1997 से दिल्ली में रहते हैं। पहले आम आदमी थे, उसके बाद धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने से एक साल पहले 2013 में बालों को डाई कराना छोड़ा था। उसके बाद सफ़ेद दाढ़ी, बाल, चेहरा देखकर मंत्रियों के स्टाफ व एक कंपनी के मैनेजर ने भाटिया को मोदी के हमशक्ल का हवाला दिया। तब से जनता हमशक्ल मोदी के नाम से जानने लगी है।